तो स्टूडेंट्स, कल जो है हमने फॉर्मेशन ऑफ वेव वगैरह सब देख लिया, स्टेशनरी वेव। और फिर स्टेशनरी वेव में हमने देखा कि जब स्ट्रिंग के ऊपर एक वेव बनती है, यस्टरडे का क्लास जो था वो मोस्टली फोकस था वेव फॉर्मेशन ऑन द स्ट्रिंग। उसमें हमने बिल्कुल हाईलाइट में दो दो मिनट में मैं बातें बता रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग या वेव ओवर द स्ट्रिंग था टी अपॉन एम। उसमें मैंने बहुत बार फोकस किया कि टी स्टैंड्स फॉर टेंशन बट एम स्टैंड्स फॉर लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर हमने देखा कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो था स्ट्रिंग पे वो कुछ ऐसा होता था कि एक सिंगल लूप बनाया, तो इसमें हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था 1/12 अंडर रूट टी अपॉन एम, या आपका N1 या N0। फिर फर्स्ट ओवरटोन, ये फर्स्ट हार्मोनिक हुआ, हार्मोनिक के बाद ये सेकंड हार्मोनिक हुआ, ये है तो सेकंड हार्मोनिक और ओवरटोन कितना है पहला। फर्स्ट हार्मोनिक के बाद जो पहली फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आती है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम कहते हैं ओवरटोन। और ये N1 जो है वो हुआ ओवरटोन, वो क्या था आपका 2N0। आपको ये पता है कि 2 × हम कह सकते हैं 1/12 अंडर रूट टी बाय एम, या फिर सेकेंड ओवरटोन विल बी 3N0, ये हो जाएगा आपका 3 × 1/12 वगैरह वगैरह, है ना। तो इसके हिसाब से हमने देखा कि पीथ ओवरटोन इज P+1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको आप एक बार अच्छे से डिराइव कर लोगे। मैं आज आपको एक ये भी दूंगा, साथ में असाइनमेंट दूंगा, आप इस क्लास के साथ उसके अगले दिन ही आप मुझे, एक ही दिन का असाइनमेंट है, 2-3 क्वेश्चंस है, आप वो असाइनमेंट मुझे कंप्लीट करके दोगे। इसके साथ साथ आपको ऑसिलेशन का एक न्यूमेरिकल का टेस्ट भी बाकी है, वो मैं स्केड्यूल कर रहा हूँ 2 दिन के अंदर। चलो, तो अब हम चलते हैं आगे का टॉपिक, वो है लॉज ऑफ वाइब्रेशन। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? लॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो बच्चों, लॉज ऑफ वाइब्रेशन कैसे निकाले? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/12 अंडर रूट के अंदर टी अपॉन एम। अगर ऐसा है तो भैया पहला लॉ, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ में हम क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल है। जब मैं लेंथ की बात करूं तो एल छोड़ दीजिए, टेंशन और एम को कांस्टेंट कर दीजिए। हम बोलेंगे व्हेन टी एंड एम इज कांस्टेंट। अगर उसको आप कांस्टेंट कर दो तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एन एल। तो हम कह सकते हैं N × L। देखो, अगर आपको अच्छे से पता हो तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इन अपॉन लेंथ, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कह सकते हैं N × L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो यहां पर हम इसी लॉ को न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दैट N1L1 इज इक्वल्स टू N2L2 इज इक्वल्स टू व्हाटएवर। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको समझा रहा हूं। मान के चलो कि ये एक स्ट्रिंग है, तो इसकी लेंथ अगर L1 है, सेम स्ट्रिंग, टेंशन हमने T फिक्स कर दिया और स्ट्रिंग की मास पर लेंथ स्मॉल m है, तो कुछ तो फ्रीक्वेंसी, कुछ तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होगा। अब अगर मैं इसकी लेंथ और चेंज करता हूं, इफ आई इंक्रीज द लेंथ, लेंथ के चेंज होने की वजह से उसका कुछ फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, तो आपका N1L1 और अगर आप N2L2 करते हो तो उसी स्ट्रिंग में सेम टेंशन और सेम स्ट्रिंग रखते हुए इसका प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ का प्रोडक्ट हर बार कांस्टेंट होता है। हम इसमें क्या कह रहे हैं, उसी स्ट्रिंग में मतलब सेम स्ट्रिंग का टेंशन और मास कांस्टेंट रखो, और अगर आप लेंथ को बदलोगे, उसकी लंबाई चेंज करोगे, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, पर वो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चेंज होगी कि उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसको मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ लेंथ। अब एल हो गया, अब कौन बचा? टी। तो अब लॉ ऑफ टेंशन नाम दे दीजिए। तीन चीजें हैं, एक है लेंथ, टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर डेंसिटी। तो लेंथ का लॉ हो गया, अब टेंशन का। तो भैया हमने कहा लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन में क्या कांस्टेंट करना होगा? तो जिसका लॉ है वो टर्म छोड़ दो, लेंथ और मास को, लेंथ और लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट कर दो। हम कहेंगे व्हेन
टेंशन, सॉरी नॉट टेंशन, लेंथ एल एंड लीनियर डेंसिटी इज केप्ट कॉन्स्टेंट. अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट कर दूं तो हमें ये एक बात अच्छे से पता है कि फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द टेंशन. हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन. फिर से इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं क्या करता हूँ, हटा के कॉन्स्टेंट लिखता हूँ. कोई एक कॉन्स्टेंट होगा इंटू अंडर रूट ऑफ टेंशन. क्या हम कह सकते हैं एन बाय रूट टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट? अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो फिर से वही तरीका, जैसे मैंने लिखा n into l equals to constant लिखा तो n1 l1 is equals to n2 l2 लिख दिया. यहाँ पे क्या होगा, ये n1 upon under root of t1 is equals to n2 upon under root of t2. एक तो इसका ऐसा फॉर्म है या फिर n1 into root t2 is equals to n2 into root t1, ये भी एक फॉर्मेट हो सकता है. इसे कहते हैं लॉ ऑफ टेंशन. इसको फटाफट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बाकी नोट्स में उसका डिटेलिंग लिखा हुआ है, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन. आखिरी कौन बचा, लेंथ हो गया, टेंशन हो गया, तो कौन बचा, लीनियर डेंसिटी. अभी लीनियर डेंसिटी का जो किस्सा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके मुझे बताना होगा, एकदम हल्के में नहीं चलेगा, ठीक है? आप इसको अच्छे से बिल्कुल पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी टॉपिक में. तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स, वो होगा आपका लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी में अब हम बहुत सारे दो तीन टर्म्स अलग अलग पढ़ेंगे. कैसे, हम कहेंगे इफ L एंड T इज केप्ट कॉन्स्टेंट. अब लेंथ और इसको टेंशन को अगर हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं, यूनिफॉर्म कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m. इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ n इंटू रूट m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब ये वाला स्टेप मत पूछना, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वल करके मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा था, फिर n इंटू रूट एम कर दिया, तो n इंटू रूट एम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया. अगर ये कांस्टेंट हो गया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या करना होगा. इसको हम लिख सकते हैं n1 वन रूट एम वन इज इक्वल्स टू एन टू रूट एम टू. ओके, अब इसमें दो वेरिएशन है बच्चों, ध्यान दो. एक जब कोई वायर होती है, थोड़ा सा एक वायर होती है, उस वायर की कुछ मास m, कुछ लेंथ l, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए कहेंगे. पर बच्चों इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर. आर मतलब ये इसकी क्रॉस सेक्शन की रेडियस आर. नाउ तो बेटा क्या करना है, मास क्या है, एम जो है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ. ओके, ऐसा हम कह सकते हैं ये एक्चुअल में लीनियर डेंसिटी हो गई आपकी, लीनियर डेंसिटी हो गई. हम इसमें अब क्या करेंगे कि मास को लिखेंगे, मास को लिखेंगे डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी अपॉन इनटू वॉल्यूम अपॉन एल, रो इनटू वी. आप जानते हो कि मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो भैया मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ से आ गया. ये आप 8, 9, 10 में भी पढ़े हो या हमने इससे पहले भी कई बार यूज़ किया हुआ है. तो हम इसको लिखते हैं डेंसिटी. तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रिंग क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन लेंथ. तो ये स्मॉल m. तो देयरफोर इस स्मॉल m को हम लिखते हैं रो इनटू, ये देखिए ये लेंथ और ये लेंथ कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. अब ध्यान दीजिए, ये जो स्मॉल m1 है, ये जो स्मॉल m2 है, इसमें मैं वो वैल्यूज डाल रहा हूं. क्या होगा, n1 अंडर रूट ऑफ रो वन पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 अंडर रूट रो टू पाई आर टू स्क्वायर. अगर अब मैं लिखता हूं इफ रो वन एंड रो टू इज सेम, मतलब सेम मटेरियल का धागा यूज किया, डेंसिटी सेम है, इसका मतलब वो मटेरियल सेम है. अगर हम सेम डेंसिटी का
सेम मटेरियल का धागा यूज करते हैं या स्ट्रिंग यूज करते हैं, तो ये रो और पाई ये हो जाएगा एन वन रूट आर वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन टू रूट आर टू स्क्वायर, और ये एन वन आर वन इज इक्वल्स टू एन टू आर टू होगा। एक तरीका पहला। दूसरा, इसमें दूसरा कि भाई हम डेंसिटी को अलग अलग ले लेते हैं और सेम थिकनेस सेम जाड़ी का वायर लेंगे, सेम जाड़ी सेम थिकनेस का लेंगे, मतलब उसका ए वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस क्या होगा सेम। तो दूसरा ले रहे इफ आर वन इज इक्वल्स टू आर टू, तो हम कहेंगे एन वन रूट रो वन इज इक्वल्स टू एन टू रूट रो टू। ये एक हो सकता है डेंसिटी के हिसाब से। देखो बच्चों, यहाँ पे एक रेडियस के साथ, रेडियस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है या एक फॉर्मूला बन सकता है, या फिर दूसरा डेंसिटी के साथ एक फॉर्मूला बन सकता है। अगर डेंसिटी सेम है तो रेडियस के साथ बनेगा, और अगर रेडियस सेम है तो डेंसिटी के साथ बनेगा। ये आपको बात ध्यान में आनी चाहिए। ये हो गए लॉज ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अगले टॉपिक पे, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलो ठीक है, तो लॉज ऑफ वाइब्रेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल में मुझे लगता था कि ये एक साथ हो जाना चाहिए था एक क्लास में, बट अब ऐसा स्प्लिट हुआ है। कल की क्लास मैंने बहुत स्पीड में लेने की कोशिश भी करी, पर वो 50 मिनट्स में ये लॉज ऑफ स्ट्रिंग आ नहीं पाए। तो लॉज ऑफ स्ट्रिंग को मुझे कंप्लीट करने के लिए वो 50 मिनट कम पड़ गए, आज मुझे फिर वो उसको एक्सटेंड करना पड़ा, नहीं तो मैं एक कंटिन्यूस क्लास बनाता दोस्तों अभी जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसकी। बट अब मैं वो कंटिन्यूस क्लास नहीं बना सकता, अब आप जानते हो क्यों। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग इजी वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और वो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पाइप, है ना। हेडिंग है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पाइप। मतलब क्या, इसमें दो चीजें, एक पहला कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी है मोड ऑफ वाइब्रेशन में, हम बोलेंगे ओपन पाइप, ओपन एट पाइप ओपन एट वन एंड। एक पहला क्या ले रहा हूं, पाइप ओपन एट वन एंड। मतलब क्या, मान के चलो कि हमने एक पाइप ली और इस पाइप को एक तरफ से ढक दिया और दूसरे तरफ से ओपन रखा। तो पाइप क्या है, इस तरफ से बंद है क्लोज्ड है और एक तरफ से ओपन है, है ना। तो पाइप ओपन एट वन एंड। अब कुछ बुक्स क्या करते हैं, इसको वर्टिकली लेते हैं या कुछ बुक्स उसको हॉरिजॉन्टली लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो वैसा ले सकते हो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको वर्टिकली ले रहा हूँ फिलहाल, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक टू बुक डिपेंड करता है। क्या है ये है, देर इज अ पाइप विच इज केप्ट ओपन एट वन एंड एंड इट इज केप्ट क्लोज्ड फ्रॉम द अनदर एंड। तो यह पाइप ओपन एट वन एंड में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पाइप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक ऐसा क्या कह सकते हैं इसको, ट्यूनिंग फोर्क लेंगे और एक रबर की पैड यहाँ पे रखी जाती है। इस ट्यूनिंग फोर्क को इस पे ऐसे ऐसे करेंगे और इसके एंट्रेंस पे रखेंगे। जब इसके एंट्रेंस पे रखेंगे, मैं इसको ना बहुत डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ बट ऐसा लगता है कि वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। What I will do, मैथमेटिकली इसको पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं। इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन दे सकता हूँ बट टाइम कंज्यूमिंग है और मज़ा आता है वो पढ़ने में कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बट ठीक है यार, अभी ऑनलाइन में इतना मैं डिटेल में नहीं जाता। आपको मैथमेटिकली इसका कैसे काम पड़ेगा, आपको मज़ा अभी भी आएगा पढ़ने में, बट उसका एकदम जो एग्जैक्ट हो रही है वाली चीज़ उसमें मैं अब जाना नहीं चाहता। तो होगा क्या, ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसे है, ऐसे 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 वाइब्रेट होता है, मतलब ऐसे वाइब्रेट होने लगता है इसके एंट्रेंस पे। जैसे ही ये वाइब्रेट होगा, इसमें ये वाइब्रेशन पास ऑन होगी। आपको याद है मैंने कहा था कि क्लोज एंड पे हर बार नोड बनेगा और ओपन एंड पे क्या बनता है बच्चों, हर बार एंटी नोड। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि क्लोज एंड पे नोड बनता है और ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है। ये हम चीज पहले ही समझ चुके हैं, जान चुके हैं, याद है। तो अब क्या होगा, है ना, हम कहेंगे ए ट्यूनिंग फोक इज वाइब्रेटेड एंड केप्ट
एट ओपन एंड ऑफ ए पाइप, ऑफ ए पाइप, एक ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट किया और उसको ओपन एंड पे रख दिया, तो ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए इस तरीके से वो वाइब्रेट होने लगा, ऐसा 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 वाइब्रेट होता है। तो जब ये वाला फोक इधर सरकेगा तो यहाँ की एयर कॉम्प्रेस होगी और वो कॉम्प्रेशन अंदर जाएगा, जब ये फोक इस तरफ मतलब ऐसे होगा तो वहाँ की एयर रेयरफैक्ट होगी तो रेयरफ्रैक्शन आगे जाएगा, तो कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, एंड एक्चुअली लॉन्जिट्यूडिनल वेव यहाँ पे आगे बढ़ती है। ठीक, अब हम कहेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे होता है, हम देखते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पर कौन सा वाला, तो पाइप ओपन एट वन एंड का, सिर्फ एक एंड पे पाइप ओपन है, दूसरे एंड पे क्लोज्ड है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पाइप ओपन एट वन एंड में, यहां आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये है आपकी पाइप, यहां पे क्या होना जरूरी है नोड, यहां पे क्या होना जरूरी है एंटी नोड, तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल इसमें ये ऐसा, ये यहाँ पे, वैसे तो मैंने कंप्रेशन रिफ्रैक्शन दिखाना चाहिए बट अब यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड दिखाने के लिए सबसे एक इजी तरीका हुआ। तो भैया ये जो लेंथ है पाइप की, ये जो लेंथ है पाइप की वो क्या हो जाएगी, लैम्ब्डा अपॉन फोर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लैम्ब्डा अपॉन फोर, क्योंकि आपको याद है कि ये अगर ऐसी एक पूरी वेव है, ये हमारे लूप्स हैं तो ये पूरा लैम्ब्डा होगा, अगर ये पूरा लैम्ब्डा होगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्ब्डा बाई टू हो जाएगा, तो ये एक लूप होगा लैम्ब्डा बाय टू, तो इस लूप का आधा लूप होगा आपका लैम्ब्डा बाय फोर, तो ये एक नोड और ये एक एंटी नोड, या उल्टा ले लो, ये एक नोड और ये एक एंटी नोड, है ना, तो इतना वाला पोर्शन क्या होता है बच्चों, लैम्ब्डा अपॉन फोर, तो देखो इतना वाला पोर्शन है आपका लैम्ब्डा अपॉन फोर, ऐसा हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड सबसे लोएस्ट क्या पॉसिबल है, यहाँ पे नोड होगा और यहाँ पे एंटी नोड होगा, तो आधा लूप, हाफ ऑफ द लूप बनेगा, हाफ ऑफ द लूप, तो ये जो पाइप की लेंथ है एल, दैट वुड बी इक्वल्स टू लैम्ब्डा अपॉन फोर, जो भी वेव बन रही है उस वेव लेंथ का वन फोर्थ, तो हमारे पास है बट वी इज इक्वल्स टू एन लैम्ब्डा वी नो, सो फ्रीक्वेंसी विल बिकम वी अपॉन लैम्ब्डा। सो बच्चों स्प्रिंग में वेलोसिटी की वैल्यू हम डालते थे अंडर रूट टी बाय एम, पाइप में हमको वेलोसिटी की वैल्यू नहीं डालनी पड़ती क्योंकि दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। क्या हो रहा है, ट्यूनिंग फोक जब करते हैं तो साउंड वाली वेव यहां से आगे जाती है ना, ट्यूनिंग फोक जब लेते हैं तो क्या आगे जाता है, साउंड वाली वेव आगे जाती है, तो जो वो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, लॉन्जिट्यूडिनल वेव एयर की वेलोसिटी। तो बच्चों यहां पे लैम्ब्डा क्या लिखेंगे, v अपॉन 4l लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू v अपॉन 4l, हम मैं इसको n नॉट मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम यहां पे लिखते हैं, देयरफॉर n नॉट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, n नॉट लिखना यार बहुत खराब है, nc लिखता हूं, NC क्यों, NC is fundamental frequency of pipe closed at one end, एक एंड से closed है, closed at one end, या आप open at one end बोल दो या close at one end बोल दो, एक ही बात है, एक एंड से open रखो या pipe closed at one end ही लिखता हूँ यार, ज़्यादा better होगा। ठीक है, a tuning fork is vibrated and kept at open end of a pipe। Second mode of vibration देखते हैं, यहाँ तक तो चलो ये हो गया, अब हम सेकेंड मोड देखते हैं, हम देख रहे हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे होगा, सेकेंड मोड मतलब ही पहला ओवरटोन, ये तो फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल का फॉर्मूला V बाय 4L, फंडामेंटल के बाद जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल के बाद जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फर्स्ट ओवरटोन, है ना, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या आप इसको बोलोगे फर्स्ट ओवरटोन, किसमें, किसमें, तो पाइप ओपन एट या क्लोज एट वन एंड में, हम कहेंगे फर्स्ट मोड, ये हम लिख रहे हैं, देखिए अब मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ, पहले ये आपकी पाइप है और यहाँ पर अब अगर ये वाला फेज खत्म हो चुका है तो इससे हायर फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, इससे हायर फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे एंटी नोड बनना जरूरी है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनना जरूरी है और क्लोज एंड पे नोड, तो उससे ज़्यादा वाली पॉसिबल सिर्फ इतनी ही हो सकती है, उससे ज़्यादा वाली जो पॉसिबल है इतनी ही, तो ये हुआ आपका लैम्ब्डा अपॉन टू, ये इतना है एक आधा लूप और ये हो गया आपका लैम्ब्डा अपॉन फोर, तो जो लेंथ है वो हो गया आपका लैम्ब्डा अपॉन टू प्लस लैम्ब्डा अपॉन फोर,
ये हो जाएगा आपका 3/4 लैम्बडा। लेंथ कितनी हो गई दोस्तों? 3/4 लैम्बडा। इस हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कौन सी फ्रीक्वेंसी? तो क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, 1 या 2 जो लिख रहा हो ना वो ओवरटोन के हिसाब से। तो क्लोज्ड पाइप का फर्स्ट ओवरटोन NC1, NC फंडामेंटल, NC1 मतलब फर्स्ट ओवरटोन, NC मतलब सिर्फ, फंडामेंटल मतलब पहला हार्मोनिक। अब यहां पे देखिए, यहां पे NC1 3/4 लैम्बडा, n इज इक्वल टू v/λ होता है, तो v/λ को हम लिखते हैं v/, यहां पे आप इस लैम्बडा को देख लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 l, ये हो जाएगा बच्चों 4/3 l। तो यहां पे डालिए, ये हो जाएगा आपका 4l/3, ये 3 ऊपर से चला जाएगा, तो NC1 इज 3 times v/4l, 3 times v/4l ऐसा है। तो आपको पता चल रहा है कि v/4l तो भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो NC1 इज 3 times NC, NC1 इज 3 times NC। अगर कोई थोड़ा सा बढ़िया पढ़ के एक बच्चा होगा, उसको अभी एक बात क्लिक हो जाएगी, स्ट्रिंग में क्या होता था, फर्स्ट ओवरटोन जो था वो 2n था, सेकेंड ओवरटोन 3n था, यहां पे एक तो n है और उसके बाद सीधा 3n है, 2n गायब है, 2n गायब है, सीधा 3n है। सेकेंड हार्मोनिक 2n होता, देखो n वॉज द फंडामेंटल, तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2n विल बी द सेकेंड हार्मोनिक, 3n विल बी द थर्ड हार्मोनिक। यहां पे यही तो मजा है कि भाई 2n गायब है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू थर्ड, इसको लिख रहा हूं ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं फर्स्ट ओवरटोन इक्वल्स टू थर्ड हार्मोनिक। पहला ओवरटोन तीसरा हार्मोनिक है, यहां पे सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है। मैंने बोला था ना कि पार्टी में जो लोग नहीं आए उनको भूल जाओ, है ना, जो लोग आए वो ओवरटोन, तो सीधा 2n आया ही नहीं, सीधा 3n आया, 2n आया ही नहीं, सीधा 3n आया, तो 2n गायब हो गया, 3n बना आपका फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद जो पहली हायर फ्रीक्वेंसी होती है, अवेलेबल होती है, एक्चुअल में होती है, वो ओवरटोन है, तो यहां पे फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक का एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या करते हैं, अगर आपका ये लिख के हो गया हो, आप इसको अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए, अब मैं आपको थर्ड इसमें ले जा रहा हूं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में। चलो देखते हैं, लिख रहा हूं मैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तीसरा मोड। अब इससे ज्यादा हाइयर कैसे बनेगा, तो देखिए ये एक हमने पाइप ले ली, एक लूप और आधे लूप से ज्यादा चाहिए, तो यहां पे तो एंटी नोड होना कंपल्शन है और यहां पे तो नोड होना कंपल्शन है, तो भाई साहब आपको 2 पूरे कंप्लीट लूप लेना जरूरी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इतना वाला हुआ आपका लैम्बडा, दो लूप मतलब लैम्बडा, और ये हुआ आपका लैम्बडा बाय 4, इतना। तो भैया क्या होगा, तो देखो क्या होगा, लेंथ जो है वो हो जाएगा आपका लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4, तो ये कितना होगा 5/4 लैम्बडा, दैट इज योर लेंथ। देयरफॉर लैम्बडा होता है आपका 4l/5। ओके, तो हम यहां पे चलते हैं कि भैया थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो तो भैया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बहुत ही आसान है, यहां पे ले रहा हूं n इज इक्वल टू v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू v/λ। बच्चों v को वैसे ही रखो और लैम्बडा क्या है, यह है 4l/5, ये 5 को ऊपर ले जाओ, तो आपका NC2 सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप 5 times the v/4l, क्या है 5 times v/4l, और v/4l आप जानते हो कि ये है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ NC। तो मैं आपको क्या लिख रहा हूं अच्छे से देखो, मैं बोल रहा हूं सेकेंड ओवरटोन,
ये इसका सेकेंड ओवरटोन कितना है, तो सेकेंड ओवरटोन है फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक, तो थर्ड ओवरटोन क्या होगा, सेवेंथ हार्मोनिक। सिर्फ ऑड नंबर है, वन है, थ्री है, फाइव है, तो आगे सेवन होगा, तो उसके आगे नाइन होगा, है ना, ये अभी हमको ध्यान में आने लगा। तो मैं क्या करता हूं, देयरफॉर पीथ ओवरटोन, पीथ ओवरटोन कितना बनेगा बच्चों, पीथ ओवरटोन बनेगा आपका, देखो एन पी, एन क्लोज का पी, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, पाइप क्लोज एट वन एंड का पी विल बिकम 2p प्लस 1 इनटू nc, 2p प्लस 1, वेयर, अगर मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं, अगर आप प्लस लेते हो तो p की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और अगर आप यहां पे माइनस डालते तो p की वैल्यू 0, आप प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते थे। तो आपका क्लोज पाइप का कैसा होता है, सिर्फ ऑड नंबर पॉसिबल है, मतलब मैं अगर n1 is to n2 is to n3 करूं तो ये होगा 1:3:5, जबकि स्ट्रिंग में वो 1:2:3:2 सारे हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट है, ऑल द हार्मोनिक्स वेयर प्रेजेंट, यहां पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। हम बोलेंगे देयरफॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इन, ऐसा लिखते हैं इन, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओनली, ओनली ऑड हार्मोनिक्स कितने हैं, कौन से हैं, सिर्फ ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर अवेलेबल या प्रेजेंट। ये हमको बात ध्यान में आ गई है, ये हो गया आपका पाइप क्लोज एट वन एंड का किस्सा। मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं और पाइप ओपन एट बोथ एंड पढ़ाने जा रहा हूं, फिर मैं तीनों को एक साथ कंपेयर करूंगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत आसान लगेगा, है ना, तो इसको भी आप पॉज करके लिख सकते हो। अब आते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पाइप में, पाइप ओपन एट क्लोज एट वन एंड हो गया, अब हम देख रहे हैं कि पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, है ना, हम लिखेंगे पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों तरफ से पाइप जो है वो खुली है, तो कैसा होगा सेकेंड वाला, सेकेंड वाला है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से पाइप जो है वो ओपन है, तो पाइप कैसे दिखती है भैया, ऐसे दिखती है, ऐसे। तो आप ये बात समझ लीजिए, अगर यहां पे ओपन है तो यहां पर भी क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, और अगर यहां पर ओपन है तो यहां पर भी क्या बनेगा, एंटी नोड ही बनना चाहिए, ओपन एट बोथ एंड पे क्या बनना चाहिए बच्चों, एंटी नोड बनना चाहिए। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते फिर से, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, आपको अभी कुछ बातें बड़ी मजेदार समझ में आएगी, एकदम एक सीक्वेंस में समझ में आएगी। देख लो ये एक पाइप है, दोनों पे ओपन है, तो यहां पे एंटीनोड बनना ही चाहिए, यहां पे एंटीनोड बनना ही चाहिए, तो भैया ये एंटीनोड बना, ये बीच में एक नोड बनेगा, और ये इतना। अब देखो तो ये आधा लूप है, आधा लूप लैम्डा बाय फोर, और ये आधा लूप लैम्डा बाय फोर, तो भाई साहब लेंथ कितनी हुई, लेंथ हुई आपकी लैम्डा अपॉन फोर प्लस लैम्डा अपॉन फोर, ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन टू, ये हो गया लेंथ, तो लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा क्या हुआ आपका 2l, ओके। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये भी तो निकालना जरूरी है कि भैया कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी, किसमें, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स में, देयरफॉर हम लिखने जा रहे हैं दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, इज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओपन है ना तो NO, है ना, ओपन है तो NO, NO में 1, 2, 3 कुछ नहीं दिया, ये हो जाएगा आपका V बाय लैम्बडा, वो बेसिक फॉर्मूला, V तो ठीक है पर आपका लैम्बडा क्या है, वो है 12, तो भैया ये हुआ आपका फॉर्मूला V बाय 12 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब हम देखते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ये कैसे होगा, ये है आपकी एक पाइप, ये आ गया ऐसे, है ना, इससे ज्यादा ये यहां पे भी एक आधा बनेगा, इससे ज्यादा वाला चाहिए ना पुराने वाले से, तो एक लूप को बढ़ा देते हैं, ऐसे हो सकता है, तो ये लैम्डा बाय फोर, ये लैम्डा बाय फोर, ये लैम्डा बाय टू, देखिए ये लैम्डा अपॉन फोर, इतना हुआ आपका लैम्डा अपॉन टू, एक लूप पूरा, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन फोर,
इन सब की एडिशन करोगे, लैम्डा अपॉन फोर और लैम्डा अपॉन फोर इज लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू इज लैम्डा। तो हम लिख रहे हैं लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर। आप जब इसकी एडिशन करोगे आपको मिलेगा लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी, फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी, NO1, NO1 होगी आपकी V अपॉन लैम्डा, या है ना, तो ये हो जाएगी V अपॉन L। इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू वी अपॉन 2L, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट V अपॉन 2L क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो NO1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस द N नॉट, ओपन का O लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लिख रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, सेकंड हार्मोनिक हुआ, ये है इसका खेल पूरा। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अभी यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि जगह है, फिर मैं सबका कंक्लूजन एक साथ लूंगा, ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स थर्ड मोड में ध्यान दीजिए कि क्या होने जा रहा है। हम फिर एक बार पाइप लेंगे और इससे ज़्यादा वाला, थोड़ा सा यार जाड़ा ले लेते पाइप, अपने कौन से बाप का जा रहा है, मटेरियल थोड़े नहीं यूज़ करना है कि बोले प्लास्टिक ज़्यादा लग गया जाड़ा लिया, है कि नहीं। ये वन फोर्थ लूप, ये वन फोर्थ लूप और यहाँ पे एक लूप, इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो कैसे होगा, इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये एक लूप, यहाँ पे एक लूप तो लेना ही है, और एक लूप लेना होगा। और ये पाइप को अभी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट हो गया था, छोटा हो गया था पाइप, है ना। और ये आपका ओपन एंड है, तो यहाँ पे एक और वन फोर्थ लूप आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है इतनी लेंथ हुई आपकी लैम्डा पूरी, इससे ऊपर ये वाला लैम्डा अपॉन फोर और इससे नीचे ये वाला लैम्डा बाय फोर। तो भैया लेंथ क्या होगी, लेंथ हो जाएगी आपकी लैम्डा प्लस लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाय टू, ये हो जाएगा थ्री बाय टू लैम्डा इज योर लेंथ। इसीलिए लैम्डा को लिखते हैं टू एल बाय थ्री, लैम्डा को क्या लिखते हैं बच्चों, टू एल बाय थ्री। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, NO2, NO2ओपन पाइप का सेकेंड ओवरटोन, ओपन पाइप का सेकेंड ओवरटोन। V बाय एन लैम्डा तो आपका था ही, तो V अपॉन ये हो जाएगा 2L अपॉन 3, ये 3 आएगा ऊपर से, NO2 गया आपका 3 टाइम्स द V बाय 2L। आपको पता चला यार V बाय 12, तो V बाय 12 तो मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन पाइप का, तो 3NO, NO2 इज 3NO। हम कहते हैं सेकंड ओवरटोन लिखते वक्त, सेकंड ओवरटोन इज इक्वल्स टू थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, ऐसा लिख दिया। तो इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि ओपन पाइप में सारे हार्मोनिक होते हैं, फर्स्ट है तो 2n है तो 3n है, जैसा स्ट्रिंग में होता था n भी था 2n भी था 3n भी था 4n भी था, पर ओपन में क्या था या क्लोज में क्या था, एक एंड में, एक एंड में n था तो सीधा 3n था, 3n के बाद सीधा 5n था, 5n के बाद सीधा 7n होता, सिर्फ ऑड होते। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे हार्मोनिक्स जो है वो प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूँ, जनरलाइज कैसे करें, हम कहते हैं देयरफॉर पीथ ओवरटोन, पीथ नंबर का ओवरटोन जो होगा वो हो जाएगा आपका पी प्लस वंथ हार्मोनिक। तो भाई साहब अगर ऐसा है तो NO P इज इक्वल्स टू P प्लस वन एन ओ, ओके। और अगर आप रेशो लेना चाहते हो N1 वन इज टू एन टू इज टू एन थ्री का, तो ये हो जाएगा वन इज टू टू इज टू थ्री, ऐसे ये हो गया आपके ओपन एंड क्लोज एंड। मैं अब तीनों को एक साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ बच्चों, अब आपको ज़्यादा, अभी अगर नहीं भी अगर आपको कुछ याद हुआ होगा, अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया याद हो जाएगा, देख लेना। तो क्या करें, तो पढ़े एक साथ, पढ़े सभी चीज़ों को, देखिए कि कितना आसान इजी मस्त तरीके से याद हो सकती है चीज़ें, है ना। इसको मैं पहले आपको याद कराऊंगा सारी चीज़ें और फिर पाइप्स को फिर एक बार से रिवाइज करूंगा, सारी चीज़ें याद होने के बाद पाइप को एक बार रिवाइज। सबसे पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, फिर
ओपन एट बोथ एंड्स, क्या लिख रहा हूं मैं देखो, ओपन एट बोथ एंड्स, जो आखिरी में पढ़ा वो मैंने बीच में लिख दिया, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। और तीसरा है क्लोज एट वन एंड, वन एंड ये रिवीजन है एक तरीके से याद करने का तरीका, आप चाहो तो अपने याद करने के लिए चार्ट बना के रख सकते हो, कि जब रिवाइज करोगे तो मजा आ जाएगा। डायग्राम के हिसाब से ये एक स्ट्रिंग है, बस इतना ही है। ओपन एट बोथ एंड्स में पाइप में अब आड़ा झुका के ले रहा हूँ, ओपन एट बोथ एंड्स है तो पाइप ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, और ओपन एंड ऐसा दिखेगा, क्लोज एट वन एंड ऐसे दिखेगा, पहला मुद्दा। दूसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल का फॉर्मूला था वी, या सॉरी एन इज इक्वल्स टू, एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट हार्मोनिक बोलो या फंडामेंटल बोलो, फर्स्ट हार्मोनिक ही फंडामेंटल होता है, फर्स्ट हार्मोनिक ही फंडामेंटल होता है, ये हो जाएगा आपका V by 2L, अगर आप याद करो तो ये लिया था 1 by 12 और V को लिखा था अंडर रूट टी बाय एम, ये हमने किया है V by 12 है ना, तो V को लिखा अंडर रूट टी बाय एम वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे फंडामेंटल और हार्मोनिक का अगर चार्ट देखे तो N, क्योंकि ये ओपन एट बोथ एंड्स है तो NO, ये लिख रहा हूँ मैं आपके लिए V by 12, ये लिख रहा हूँ मैं V by 12, मैं इसको डायग्राम के साथ बताने वाला हूँ V by 12, ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि कैसे करा गया था। ये किया गया था कि यहाँ पे क्योंकि एक एंटीनोड, यहाँ पे क्योंकि एक एंटीनोड, तो बीच में एक नोड लेके ऐसे, तो ये होगा आपका लैमडा बाय 4 प्लस लैमडा बाय 4 इज इक्वल्स टू लेंथ, इसको सॉल्व करके बेसिक फॉर्मूला में डाल दो ये आ जाता है। फिर ये जो था, ये जो था सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए कि अब n n क्लोज जो है वो है आपका v by 4l। अच्छा ये कैसे आया था, तो v by 4l एक यहाँ पे तो नोड बनना ज़रूरी है, यहाँ पे तो एंटी नोड बनना ज़रूरी है, तो जो लोएस्ट है वो ऐसे हुआ तो l इज इक्वल टू लैमडा अपॉन 4 हुआ, ये एक आपका बन गया। देखो एकदम शॉर्टकट में रिविजन दे रहा हूँ सारे एक साथ, तो फंडामेंटल इसका V by 12, इसका V by 12, इसका V by 4L, तो भैया स्ट्रिंग का और ओपन एट बोथ एंड्स का एक जैसा फॉर्मूला है, स्ट्रिंग का और ओपन एट बोथ एंड्स का एक जैसा है, क्लोज एट वन एंड का नहीं है। तो तीसरा अब फर्स्ट हार्मोनिक देखते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए फाइट है हमारी, फर्स्ट हार्मोनिक यहां पे एक डायग्राम निकालना रह गया है, मैं यहां पे एक डायग्राम निकाल देता हूं फंडामेंटल के लिए, एक लूप बनेगा सिर्फ फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए नेक्स्ट हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन, नेक्स्ट हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे होगा, दो लूप बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू लैमडा, यहाँ पे क्या हुआ था L इज इक्वल्स टू लैमडा अपॉन 2, तो आपका N1 जो है वो हो जाएगा twice the N, फंडामेंटल का डबल, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा तीसरा पॉइंट देखिए, मैं ये डायग्राम पहले निकाल ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में जल्दी आ जाए, और ये हमारी एक पाइप है, इसके अगला मोड कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा छोटा छोटा निकाल रहा हूँ, तो ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2, तो ये हो जाएगा एक लैम्डा, लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, और अगर ऐसा हम करें तो NO1 जो है वो होता है आपका ट्वाइस द एन नॉट, है ना ओपन का, तो यहाँ पे N1 इज 2N, यहाँ पे भी NO1 इज 2NO1, मतलब इसका स्ट्रिंग का और ओपन एट बोथ एंड्स का एक जैसा चलता है, स्ट्रिंग का और ओपन एट बोथ एंड्स का एक जैसा। अब मैं यहाँ पे भी पहले क्या कर रहा हूँ बच्चों, डायग्राम बता देता हूँ, डायग्राम से बहुत जल्दी से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, चाहे वर्टिकल रखो पाइप या हॉरिजॉन्टल रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगला मोड कुछ ऐसे आएगा स्टूडेंट्स, ऐसे ये नेक्स्ट मोड। अब अगर ये ऐसा है तो ये हुआ आपका लैमडा बाय 4 प्लस ये हुआ आपका लैमडा बाय 2, अगर ऐसा ही करना है तो NC1 क्या होगा आपका 3 times the NC, मतलब ऑड हार्मोनिक्स। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट क्या ले रहा हूँ, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ओके बॉस, यहाँ पे भी All harmonics are present, एक साथ स्टडी करने के लिए ये टेबल सबसे बढ़िया है ना, पूरा रिवीजन और एक साथ सब कुछ एक मिल रहा है आपको। यहाँ पे ओनली odd harmonics are present,
सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स क्या है, प्रेजेंट है। चलो ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, ओवरटोन्स, पीथ ओवरटोन के लिए देख रहे हैं, पीथ नंबर का ओवरटोन के लिए। तो NP जो है वो होगा आपका P प्लस वन एन, एक से ज्यादा P प्लस वन हार्मोनिक। यहां पे भी पीथ ओवरटोन फिफ्थ, एन ओ पी जो है वो हो जाएगा आपका P प्लस वन एन ओ। और यहां पे जब आप देखोगे तो सिर्फ ऑड है ना, तो 2P प्लस वन ले सकते हो या 2P माइनस वन। प्लस वन लिया तो P की गिनती वन से स्टार्ट करना, और माइनस वन लिया तो P की गिनती जीरो से स्टार्ट करना। मैं क्या बता रहा हूं इधर ध्यान दीजिए, NPC हो जाएगा आपका 2P प्लस वन इंटू NC, ये हो गया है ना। सिर्फ यहां पे सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, यहां पे एक से ज्यादा चलता है, यहाँ पे ऑड नंबर सिर्फ सारे सिर्फ ऑड में। तो अब एक आखिरी पॉइंट, रेशो अगर लेना पड़ा एन वन इज टू एन टू इज टू एन थ्री, तो सारे फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक ये हो जाएगा वन इज टू टू इज टू थ्री है ना। यहाँ पे भी अगर आपको रेशो अगर लेना पड़ा एन वन इज टू एन टू इज टू एन थ्री, तो ये हो जाएगा वन इज टू टू इज टू थ्री। बट यहाँ पर अगर आपको रेशो लेना पड़ा एन वन इज टू एन टू इज टू एन थ्री, तो सिर्फ ऑड नंबर आएंगे वन इज टू थ्री इज टू फाइव। स्ट्रिंग ओपन एट बोथ एंड्स क्लोज एट वन एंड, ठीक है। इसका एंड करेक्शन का टॉपिक मैं आपको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा है ना। अभी मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा कुछ देर में, वो आप सॉल्व करके भेजोगे।